चलिए, दो तीन दिन के बाद हम दोबारा वापस आ गए हैं। दो या तीन? तीन लगा लीजिए। लगा लीजिए मतलब बताइए, तीन ने लोग आपका इंतजार। फ्राइडे को भी आपने गोली दी थी वैसे। मैंने कोई गोली नहीं दी थी, मैंने तो गौतम गंभीर का इंटरव्यू भी किया था। हाँ, तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं हो पाया। और मैं तो देख रहा था अपना ट्विटर विक्रांत गुप्ता 73 और मेरा इंस्टाग्राम विक्रांत.गुप्ता73, सब यही लिख रहे हैं कि सर ये हो क्या रहा है। आप सैटरडे संडे घर पे आज इस बार? इस बार फॉर्चुनेटली शायद से बहुत टाइम बाद, क्योंकि अगले हफ्ते तो इसीलिए वो क्वेश्चन आंसर सेशन। हालांकि गौतम गंभीर का जो इंटरव्यू मैं देख भी रहा था, जो उनसे बात भी हुई है, तो उस लिहाज से काफी सारे सवालों के जवाब तो उन इंटरव्यूज में ही निकल गए। गौतम ने दे दिए बिल्कुल। आप बताइए, जो सारे भारतीय टीम को लेके जो सवाल उठते हैं वो उनसे सारे आपने रखे उनके सामने। उन्होंने बोला कि रोहित शर्मा से ओपन कराओ। बिल्कुल। उन्होंने कहा टेस्ट मैचेस में आप ओपन कैसे नहीं करा सकते हो? बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि होम स्ट्रेच पूरा दो, तीन टेस्ट मैच और दो मैच, पांच के पांच। उन्होंने बोला है कि तीन नहीं, तीन और दो पांच। जी, उन्होंने बोला पांच टेस्ट मैचेस खिलाओ उनको। और ये भी बोला उन्होंने कि स्टीव स्मिथ इज द वर्ल्ड्स बेस्ट टेस्ट बैट्समैन। चलिए, स्टीव स्मिथ इज द वर्ल्ड्स बेस्ट बैट्समैन। चार मैच हो चुके हैं एशेज के, जिसमें से पहले टेस्ट में एक वो ढाई खेले हैं। वो ढाई खेले हैं, ढाई टेस्ट मैच खेले ना, एक में आधी बैटिंग और एक डेढ़ मैच नहीं खेले हूँ, मतलब डेढ़ मैच टेस्ट मैच, और उसके बावजूद उनके टेक्निकली भी वो ढाई ही खेले। बिल्कुल। और ढाई मैचों में 700 के करीब रन है वो डिफरेंस है, 700 के करीब रन है यार एक बैट्समैन के 674 में, पांच इनिंगों में 142, 144। उसके अगले टेस्ट मैच में उन्होंने 92 मारा जब उनके सर पे बॉल लग गई थी। उसके बाद अगला टेस्ट मैच वो खेले नहीं, उसके बाद वापस आते हैं, मारते हैं 211 और उसके बाद 82 रन। सही में आई थिंक वो डिफरेंस रहे इस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम में। डॉन बैटमैन ने 900 कुछ रन बनाए थे, 930 या 35 शायद, किसी भी एक सीरीज के हाईएस्ट एवर, 934 है शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और सात इनिंग खेले थे वो। और इनकी कितनी है 674 के आसपास, 674 के करीब रन है पांच इनिंग। हाँ, पांच तो टेक्निकली इनके पास दो इनिंग और हैं, लेकिन बनाने के लिए 250-260 रन है। अच्छा, डॉन ब्रैडमैन की आपने बात करी, मैं अभी देख रहा था किसी ने सवाल पूछा हुआ है। हाँ, इनफैक्ट सैयद अरसलन अहमद हैं, इन्होंने क्वेश्चन आंसर इस सेशन के लिए #AskSports तक, तो आपको पता ही है किस तरीके से आपको हमसे सवाल पूछते हैं। तो मैं पहला सवाल ले रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि स्टीव अनस्टॉपेबल स्मिथ हैज अ बेटर एवरेज इन अवे टेस्ट इवन बेटर देन सर डॉन ब्रैडमैन। अच्छा, ये बता रहे हैं, आई एम श्योर अनजान दास हैं। गौतम गंभीर जो आप की बात अभी आपने कर रहे हैं, मेंशन द टॉप फोर टेस्ट टीम्स आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, विच आर द टॉप टेस्ट टीम्स अकॉर्डिंग टू यू। डज साउथ अफ्रीका, अब वो पूछ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका क्या इतनी खराब हो चुकी है कि अब उस समय भी नहीं आ पा रही है? टॉप थ्री तो है ये ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। अब चौथी टीम कभी पाकिस्तान हो गई, कंडीशंस पे भी डिपेंड करेगा, कभी साउथ अफ्रीका हो गई। आप आई थिंक टॉप चार की बजाय टॉप पांच ही गिनिए। जी, आई थिंक ये पांच है, पाकिस्तान को भी आप गिन लिए उसमें, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका दोनों। अब न्यूजीलैंड श्रीलंका में सीरीज ड्रॉ करा के गई है, तो पता नहीं आप उसको न्यूजीलैंड की कामयाबी मानेंगे या ये मानेंगे कि भाई वो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी उसको मिस आउट करके, ये भी तो है। अच्छा, एक हम देख रहे हैं ये टेस्ट सीरीज जिस हिसाब से चल रही है, एशेज जिस हिसाब से चल रहा है, मृत्युंजय मिश्रा हैं वो पूछ रहे हैं, डू यू गाइस स्टिल थिंक इंडियाज लास्ट टेस्ट सीरीज बीन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पर पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती थी, आपको लगता है स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर उस सीरीज में होते, उस होम सीरीज में होते ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो रिजल्ट? देखिए, ये हम अपनी टीम को क्यों डिसक्रेडिट करें, डिसरिगार्ड करें? आपकी टीम एक सीरीज जीत के आई है और मुझे लगता है कि हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब स्मिथ होते, आंकड़ों की बात तो वार्नर होते सबसे ज्यादा की नहीं, अगर स्मिथ और वार्नर होते पता नहीं नतीजा क्या होता, क्या पता आप एक भी टेस्ट ना हारते। वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता ना, क्या पता स्टीव स्मिथ बुमराह के आगे रन ना बना पाते। तो हाइपोथेटिकली अगर वार्नर और स्टीव स्मिथ होते ऑस्ट्रेलिया बेटर होता, ऑस्ट्रेलिया बेटर होता तो फिर उसको हराना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ इंडिया जीत के आया सीरीज, दैट्स इट। अच्छा, जतिन रॉय हैं वो बोल रहे हैं स्टीव स्मिथ का जो स्टाइल है बैटिंग करने का वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या बॉलर्स को आउट डिसमिस करना उनको, जैसे चंद्रपॉल था, हालांकि चंद्रपॉल भी बहुत अच्छा पॉइंट है इनका एक्चुअली, बट चंद्रपॉल और इनमें जमीन और ये टेक्निकली ज्यादा सॉलिड है और ये इंपैक्ट प्लेयर है मुझे लगता है। चंद्रपॉल थोड़े से ही वाजंट सो प्लीजिंग टू द आई। चंद्रपॉल को आप खेलते देखते उनके पास, देखिए टेक्निकली वो भी शॉट्स वही खेलते थे ऐसा नहीं है, बट उनका जो स्टांस था, उनका जो तरीका था, वो थोड़ा अटपटा था। ये बेटर टीम में खेल रहे हैं,
स्टीव स्मिथ एनी डे है ना, मतलब बेटर टीम एज कम्पेयर टू चंद्रपॉल्स टीम, हालांकि चंद्रपॉल ने जब स्टार्ट किया था गेम सेंस स्टीव स्मिथ का बेटर है चंद्रपॉल एनी डे है ना एनी डे, शायद इसीलिए चंद्रपॉल अगेन 10,000 रन वाले बैट्समैन को आप नीचे नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रपॉल का इंपैक्ट क्या था, इंपैक्ट नहीं था इतना। चंद्रपॉल रन बनाते थे, नो डाउट रन बनाते थे, लेकिन वो रन मतलब ऐसे नहीं थे कि मैच निकाल के ले गए। उस टीम में ब्रायन लारा खेले, बाद में उसमें क्रिस गेल खेले, कार्ल हूपर खेले, बड़े बड़े बैट्समैन खेले उनके साथ जी। बट चंद्रपॉल कभी ऐसा नहीं हुआ कि चंद्रपॉल ये है कि इरिटेटिंग बैट्समैन हो जाते थे, यार ये आउट नहीं हो रहा, यार ये आउट नहीं हो रहा। स्टीव स्मिथ तो यार इस पूरी सीरीज को उठा, इस सीरीज को क्या, जब दो साल पहले ढाई साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया था इंडिया जी, तो स्टीव स्मिथ तो रन बना के गए थे जी। तो स्मिथ ने ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट, ये इंग्लैंड में इंग्लैंड के अगेंस्ट रन बनाया, उन्होंने हर कंडीशन में रन बनाए हैं यार। जब चार साल पहले विराट ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 400 बनाए थे, तब भी तो 400 इनके भी थे बिल्कुल नहीं, और अब तो उन्होंने दिखा दिए दूध का दूध पानी का पानी। एक साल बाद बहुत बड़े मैच में वापस है, और हम आज इनफैक्ट डिस्कस भी कर रहे थे कि नॉकआउट मैचेस में क्या इंपैक्ट रहता है इनका। ही इज अ बिग मैच प्लेयर है ना, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2015 इंडिया के अगेंस्ट 100 जी, ये सेमीफाइनल में उनकी टीम फंस गई थी, फिर भी इन्होंने रन बनाए। तो ये बड़े मैचों में रन बनाते हैं यार, वो इस वक्त ऐसे जोन हम कहते हैं पर्पल पैच, ये तो पर्पल पैच थोड़ी है, ये तो पता नहीं कौन सा पैच चल रहा है यार। मुझे याद है जब लास्ट टाइम इंडिया गई थी इंग्लैंड, तब हम बोलते थे कि यार ये विराट का क्या पर्पल क्या पैच चल रहा है, अगर वो विराट के 200 और एक 97 और, तो ये क्या है सर, ये पर्पल नहीं है, ये कुछ और ही कलर है, ये वो क्या इंद्रधनुष वाला पैच, ये सारे कलर्स उन्होंने एक ही में कंबाइन कर दिए। अच्छा दो तीन सवाल है, मैं बैक टू बैक ले लेता हूँ। साकिब टॉन से हैं, वो बोल रहे हैं कि क्या रोहित और धवन हमारे लिए T20 के लिए बेस्ट ओपनिंग पेयर हैं, शुड वी लुक बियॉन्ड देम। और दूसरा ये है कि विपुल साजिद सेलिया बोल रहे हैं कि Do you think Rohit will get a chance to open the innings against South Africa? I think captain should consider him because KL Rahul already has got a lot of opportunities. जो barrier आएगा, जहां इम्तिहान होगा, वो होगा आपके दोस्त। इनका सवाल बस मैं ये खत्म इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ये एंड में ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि क्योंकि KL Rahul रन नहीं बना रहे हैं, वहाँ रोहित शर्मा बैठे हुए, उनको तो क्या ये दोनों का कॉन्फिडेंस खत्म नहीं कर सकता है अगर आपने जल्दी कुछ रोहित को ना लेकर आए। मैं बताता हूँ आपको बात, सबसे पहला बैरियर होगा जो इम्तिहान होगा आपके दोस्त MSK प्रसाद जी का, जिन्होंने आपको एक इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू आपको मतलब उसके हाईलाइट्स अभी थोड़ी देर में राहुल बताएंगे भी। क्या जब टीम चुनी जाएगी वो रोहित शर्मा को चुनेंगे, और साउथ अफ्रीका की टीम में रोहित शर्मा को वो चुनेंगे? अगर चुनेंगे तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर वो क्या कह के चुनेंगे, एज एन ओपनिंग बैट्समैन या एज ए मिडिल ऑर्डर स्टैंड बाई बैट्समैन? छह बैट्समैन ऑलरेडी आपके पास मिडिल ऑर्डर में है, ठीक है जी, स्क्वाड आपका बड़ा नहीं होगा, टीम सेलेक्ट होगी तो हाँ, तो आप 16-17 तो रखोगे नहीं होम में, होम में आप मैक्सिमम आपको 14 रखने चाहिए जी। सेकेंडली KL राहुल को आप टीम में सेलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई लोग अभी से हम 11 की बात करते हैं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि सेलेक्टर्स KL राहुल को साउथ अफ्रीका वाली 11 में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अगर सेलेक्टर्स उनको टेस्ट मैच की 11 में रखते हैं, इसका मतलब है कि कप्तान का कॉन्फिडेंस KL राहुल में होगा, दैट मीन्स वो KL राहुल ही ओपन करेंगे जी। अगर KL राहुल को ओपन नहीं कराना है तो वो टेस्ट टीम में नहीं होने चाहिए, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होने चाहिए। तो आप ये बहुत आगे की हम बात कर रहे हैं कि क्या कहती है आपकी गठती, पता नहीं। देखिए मुझे लगता है कि विराट ने वहां पर भी KL राहुल की बड़ी तारीफ की थी पहले टेस्ट मैच के बाद, उन्होंने कहा कि स्पेशली द टू नॉक्स दैट ही प्लेड इन द फर्स्ट टेस्ट, आई थिंक 44 और 38। अब दिक्कत क्या हुई, जो इंडिया ने डिक्लेयर नहीं किया, फॉलो नहीं दिया और सेकेंड इनिंग बैटिंग कर ली। मुझे लगता है जो सेकेंड इनिंग का फेलियर था ना KL राहुल का, उसने शायद कहानी बदली है। अगर आप रोहित शर्मा को अब भी नहीं खिलाएंगे तो फिर कभी नहीं खिलाएंगे, फिर इट विल बी वेरी अनफेयर टू रोहित शर्मा। अगर लक्ष्मण, सौरव गांगुली, गौतम गंभीर कोई भी बोल रहा है तो उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो क्रिकेट समझते हैं। अगर आप यहाँ से रोहित शर्मा को ओपन नहीं कराओगे तो फिर उस वक्त इनफैक्ट साफ साफ बोल ही दिया, अगर आप आज नहीं खिलाएंगे उनको तो फिर खत्म। तो ज्यादा से ज्यादा उनकी टेस्ट क्रिकेट 2 या 2.5 साल की है। हाँ नहीं, मतलब फिर तो इसका वो मतलब भी है कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी, मतलब फिर आपकी टीम में जगह ही नहीं बन रही उनकी। बिल्कुल, तो रोहित शर्मा मैं ये बोल रहा हूँ कि इन ऑल लॉजिकल कंक्लूजन रोहित शर्मा को 11 खेलना चाहिए। मैं
आई डोंट नो एज एन ओपनिंग बैट्समैन हम लोगों का ऐसा नहीं कि वी हैव एनीथिंग अगेंस्ट केएल राहुल. मैं ये दो परफॉर्मेंस आप उनकी 44 और जो 38 रन आप बोल रहे हैं मुश्किल हां मुश्किल परिस्थिति में बना लिए ओपन करते हैं. ओपनिंग बहुत डिफिकल्ट काम है. इनफैक्ट उस दिन वीरेंद्र सहवाग भी ये बोल रहे थे कि अगर आपको सौरव गांगुली या किसी से कोई काम करवाना होता तो वो बोलते यार मैं अगर चाहता ना अगर मैं सिलेक्टर होता या मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होती मैं सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को बोलता जाओ ओपन करो टेस्ट मैचेस में. वो है एक डिफिकल्ट काम बट ये है कि यार आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और वो आपका एक नहीं रोहित के लिए तो ऑप्शन नहीं है ना स्पेशलाइज्ड जॉब है. रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट अगर खेलना चाहते हैं तो ये दो टेस्ट मैचेस के बाद हनुमा विहारी ने जैसे बैटिंग की है अब आई थिंक वो ओपनिंग ही एक स्लॉट है. हालांकि मैं ये भी मानता हूँ राहुल की किसी खिलाड़ी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको टीम में फिट इन करने के लिए आप टीम हिला दो. लेकिन ये तो यार क्या कहते हैं लाइक फॉर लाइक चेंज है ना. बिल्कुल रोहित शर्मा वनडे में ओपन करते हैं मैं जानता हूं कि टेस्ट मैचों में ओपन नहीं किया है बट इज ही विलिंग टू आई थिंक ही इज. रोहित शर्मा को अगर आप ऑप्शन दो वो कहेंगे यार मैं कर लेता हूं. आप ट्राई तो कीजिए अगर सारी दुनिया कह रही है आप ट्राई तो कीजिए. और सबसे बड़ी बात आप उस इंसान को रिप्लेस नहीं करवा रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि भाई हम अजिंक्य रहाणे या विराट कोहली को रिप्लेस कर रहे हैं आप उसको करवा रहे हैं. और मोर सो जब पृथ्वी शॉ पे अभी बैन 15 नवंबर तक लगा रहना है. बिल्कुल यानी कि पृथ्वी शॉ साउथ अफ्रीका की सीरीज बाहर है. हो सकता है बांग्लादेश वाले में भी अवेलेबल ना हो क्योंकि आप ऐसे तो है नहीं आपकी कॉफी और मेरी चाय आ गई. और ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी शॉ का बैन खत्म हुआ और आपने टेस्ट मैच खिला दिए. भाई पृथ्वी शॉ को आप डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने दोगे अब कि बनाइए रन बिल्कुल अपनी टीम में जगह वापस लीजिए. उसके बाद मयंक अग्रवाल को भी अभी अपना बना के रखना है तो प्रॉब्लम ये हो गई है. प्रॉब्लम सिर्फ केएल राहुल नहीं है प्रॉब्लम अभी ओपनिंग स्लॉट पूरे का पूरा है. मैं बोल रहा हूँ अगर आपके पास ऑप्शन है आपके पास ऐसे ज्यादा ऑप्शंस हैं टू पिक फ्रॉम तो क्यों ना आजमाएं रोहित शर्मा को. खैर वो तो देखते हैं क्या सिलेक्ट होता है बट ये है कि रोहित शर्मा सुनने में तो आ रहा है कि कंसिडर किया जा सकता है उनको ओपनिंग बट मिलती है अपॉर्चुनिटी ओपन करने की वो देखना होगा. अगर केएल राहुल टीम में नहीं होंगे तो फिर रोहित शर्मा ओपन करेंगे. अगर केएल राहुल भी टीम में है खिलाड़ी कुमार है खिलाड़ी कुमार जी आज खिलाड़ी कुमार का वैसे जन्मदिन है. बिल्कुल आज अक्षय कुमार का जन्मदिन है तो हम खिलाड़ी कुमार का सवाल कैसे ना लें. वो बोल रहे हैं कि अच्छा अभी तो ये बहुत बड़ी बात है. हाँ तो बट पर देर कितनी रहती है 8-7 हाँ लेकिन चलिए खैर हाँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा था. तो अच्छा आप खिलाड़ी कुमार का सवाल ये है आप सब बुमराह रबाडा आर्चर की बातें करते हो लेकिन आप नंबर वन टेस्ट बॉलर पैट कमिंस को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. नहीं पैट कमिंस को अंडर एस्टिमेट कोई नहीं कर रहा है लेकिन ये क्योंकि नए फास्ट बॉलर आए थे सारे तो इसलिए इनकी बात होती है. और तन्मय जैन बोल रहे हैं कि जब वाइस कैप्टन ड्रॉप हो सकता है इस टीम का इस इंडियन टीम का तो केएल राहुल के पास कौन सी संजीवनी बूटी है. देखिए कल में वाइस कैप्टन को ड्रॉप करना भी कोई अच्छा डिसीजन तो है नहीं और एक अच्छी टेस्ट टीम वही होती है जिसमें खिलाड़ियों को ड्रॉप करना ना पड़े. केएल राहुल आइडियली यार एक यंग टैलेंटेड प्लेयर जिसका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है उन्होंने बाहर जाके 100 बनाए हैं और अगर आज हम बात कर रहे हैं कि उनको ड्रॉप किया जाए इट इज़ मतलब ये अनफॉर्चुनेट है क्योंकि उनको मौके बहुत ज़्यादा दिए गए हैं इसीलिए. तो अब आप vikrant.gupta73 या फिर vikrantgupta73 कहीं से भी ले लीजिए. मैं भी अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर खोल के देखता हूँ क्या क्या है. अब शुरू कीजिए. मैं आशीष मुझे तो बहुत सारे सवाल आए हैं और ज़्यादा लोग जो हैं मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ी शिकायत कर रहे हैं कि मैं जवाब नहीं देता हूँ मैसेजेस के यहाँ पे लेता नहीं हूँ. सर बस आज से शुरू है बस. आशुतोष पूछ रहे हैं बेटर होगा कि आप जो इंस्टाग्राम पे भेजते हैं ना अपने सवाल वो क्या होता है जब जैसे फोटो वगैरह होती है जैसे मैंने ये फोटो डाली है तो आप उसके कमेंट्स में जाके लिख देते हैं वो कभी कभी ना वो सवाल नहीं पिक किए जाते जो डीएम जिसे कहते हैं वो डायरेक्ट मैसेजेस जो होते हैं इंस्टाग्राम पे डीएम से ही खोल के पढ़ रहा हूँ वो भेजिए. वहां से फिर क्या ना यहाँ से चुनने में आसानी होती है. और आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग जरूर लगाइए. वैसे ट्विटर पर भी आप भेज सकते हैं तो स्पोर्ट्स तक बहुत देखता हूँ. एक बार स्पोर्ट्स तक पर आना चाहता हूं और क्रिकेट के टॉपिक पर बात करना चाहता हूं. ये हैं हमारे इनका नाम है माज शेख. माज शेख जी ज़रूर ज़रूर आप आइए मोस्ट वेलकम. और मुझे लगता है कि अच्छा है आप ही लोगों का है ये चैनल. बिल्कुल अच्छा ऑल टाइम कुलदीप जी हैं वो पूछ रहे हैं कि ऑल टाइम वनडे टीम का क्या हुआ. तो उस दिन गौतम गंभीर आ गए थे उस दिन. हाँ तो कल कर लेंगे ना कल वनडे टीम चुनते. हर्षिल शाह कह रहे हैं केएल राहुल हैज एन एवरेज ऑफ 22.29 इन 22 टेस्ट इनिंग्स. और शिखर धवन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने लास्ट टेस्ट जो 11 टेस्ट इनिंग थी उसमें 23 की एवरेज थी. बट आई थिंक शिखर भी अब
हर्षल बाहर ही है यार, उन्होंने कौन सा रणजी ट्रॉफी खेली यार, एक प्लेयर को वैल्यू तो होनी चाहिए ना। शिखर धवन पिछले साल ड्रॉप हुए थे, खेलते रणजी ट्रॉफी, खेलते 6 मैच, ऐसे थोड़ी यार सौरव गांगुली एंड तक खेलते रहे, राहुल द्रविड़ एंड तक खेलते रहे, सौरव गांगुली सचिन तेंदुलकर एंड तक खेलते रहे रणजी ट्रॉफी, वीरेंद्र सहवाग कितनी देर खेलते रहे, युवराज सिंह अभी तक खेलते रहे। तो जो प्लेयर जिसका पेट भर गया वो नहीं खेलना चाहता तो फिर आप उसको टेस्ट मैचेस थोड़ी आप दे दोगे। अच्छा जिमित हैं जी, जिमित त्रिवेदिया हैं ये आप, क्योंकि रवि शास्त्री की आप वो जो बात है काफ़ी रिपीट करते रहते हैं कि मैं हमारी टीम में ऐसा है कि आप बोलते हैं 5 प्लेयर्स से ज़्यादा हमारी टीम में नहीं होने चाहिए रवि शास्त्री जब से, तो बोल रहे सर अकॉर्डिंग टू यू विच 5 हु आर दोज 5 प्लेयर्स हु आर कॉमन T20 एंड ODI टीम, और क्या हो क्या करना है क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपकी जो सर्टेनिटी होनी चाहिए ODI और T20 वाले, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बुमराह, रोहित शर्मा, 4, युजवेंद्र चहल, 5, ये 5 तो होने ही चाहिए। ये 5 आपके वनडे के प्लेयर्स T20 टीम में होने ही चाहिए। उसका बॉर्डरलाइन केस आ जाएगा श्रेयस अय्यर, कैसे मतलब वो रिस्पॉन्ड करते हैं। श्रेयस अय्यर को आप कहाँ पे खिलाएंगे अगर आप खिलाते हैं? नंबर 4 T20 की बात कर रहे हैं, 4 T20 में ऋषभ पंत को मैं भूल गया, सॉरी 5वें ऋषभ पंत जो वनडे और T20 दोनों में होने चाहिए, वनडे में भी ना। हाँ जी, बड़ी बात। अंकित राय, आशीष प्रजापति जी थैंक यू वेरी मच, आपका कॉम्प्लीमेंट सर बड़ा पसंद आया, पूरी टीम की आपने हौसला अफजाई की है। सुमेश कह रहे हैं पाटिल कि क्या ऋषभ पंत को बाहर बिठा दिया जाए और KL राहुल से कीपिंग कराएं और रोहित शर्मा को चांस दें टेस्ट क्रिकेट में? अरे नहीं सर, ये पाप मत करवा देना कहीं, विकेट कीपिंग स्पेशलाइज जॉब है। अगर ऋषभ पंत कल को टीम टेस्टिंग में ना होंगे तो फिर ऋद्धिमान साहा को विकेट कीपिंग करनी होगी, KL राहुल को नहीं सर। हालांकि ऋषभ पंत की पता नहीं, एक आध कैच तो उन्होंने छोड़ दिया था इस सीरीज, एक कैच उन्होंने बाद में छोड़ा, बट उनकी कीपिंग इतनी खराब नहीं रही है बिल्कुल, और वो धोनी इंप्रूव हुए हैं बिल्कुल, और कीपिंग तो ऐसी चीज है वो टाइम के साथ ही सुधरेगी बिल्कुल। अच्छा आपको नहीं लगता ये तौसीफ मिर्ज़ा है जी कि रोहित धवन, KL राहुल, हालांकि KL राहुल तो यंगस्टर्स ही हैं जी, बोल रहे हैं T20 में आप अपना पूरा सेटअप चेंज कर दो ना। नहीं बट कुछ प्लेयर्स तो आपको रखने होंगे ना, विराट कोहली चेंज तो करना ही पड़ेगा, बिना चेंज के तो आप चल ही नहीं सकते। अच्छा संजय दिधारिया हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो फैब फोर होता था उसमें ये जो रूट भी थे वो कहाँ चले गए? जो रूट के लिए ये सीरीज डिफाइनिंग मोमेंट थी, 300 हैं उनके और मौके पे आके अपनी टीम को कभी बचा नहीं पाए। प्लस यार ये देखो विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, इवन केन विलियमसन, इनका कन्वर्जन क्या है, इनको स्टार्ट मिलता है ये 100 बनाते हैं, ये टीम को मुश्किल से निकालते हैं, ये टीम को मैच विनिंग पोजीशन में लेके जाते हैं। जो रूट अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए हैं, जो रूट नंबर 4 बैटिंग नहीं कर रहे हैं, वो नंबर 4 चाहते हैं 3 करना पड़ रहा है, तो यार ये तो उनको एक बड़ी सीरीज से पहले एडजस्टमेंट करनी थी ना। अरे प्रथमेश राजपूत ने इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछा है क्योंकि देखिए शिखर धवन और रोहित शर्मा का ICC टूर्नामेंट से तो अच्छा खासा रिकॉर्ड है, तो हम बोलते हैं कि जी इन दोनों का हमेशा दुहाई देते रहते हैं कि इनका अच्छा रिकॉर्ड है ICC टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20, तो ये भी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ICC का ही चल रहा है, खिला दो नहीं, गुड पॉइंट्स, क्या पता। बट आपको लगता है ऐसा हो जाएगा जब सिलेक्टर्स इनको पिक करेंगे रोहित शर्मा को ओवर कहाँ टेस्ट मैचेस में? ड्रॉप कैसे करेंगे भाई, आप जो वेस्ट इंडीज टीम लेकर गए हैं, आप रोहित शर्मा को उस टेस्ट टीम से ड्रॉप कैसे करेंगे बाहर से बाहर? नंबर 1 बिल्कुल। नंबर 2 सिलेक्टरों का इम्तिहान रोहित शर्मा को लेके नहीं है जितना KL राहुल को लेके है। बट ये सिलेक्टर्स खुद नहीं फंस गए हम, क्योंकि मैं भी ये मानता हूँ कि आपने रोहित शर्मा को आपके इंटरव्यू में तो है ना रोहित शर्मा का, आप थोड़ा बता दीजिए ना लोगों को। नहीं उन्होंने बेसिकली, मैंने उनसे ये सीधा सवाल पूछा था कि क्योंकि सौरव गांगुली एक क्लैमर बन रहा है कि यार कि रोहित शर्मा को ओपन करवा दिया जाए, क्योंकि आप हनुमा विहारी ने जस्टिफाई कर दिया है कि भाई मैं उस स्पॉट के लिए भी तैयार हो गया हूँ या हो रहा हूँ, प्रूव किया कि आपको रीज़न नहीं दिया कि आप उनको ड्रॉप कर दें।
तो एक सौरभ गांगुली ने कहा, वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा से आप ओपन कराइए, आप कितना लंबा रन देंगे केएल राहुल को। तो उस पर उन्होंने बोला है कि जी इस बात को कंसिडर किया जाएगा जब हम सिलेक्शन के लिए बैठेंगे। बस इतना ही बोला क्या मतलब कि बिकॉज इट्स एन इंडिकेशन एग्जैक्टली why there is always talk about fab 4 batsmen, why not fab 4 bowlers? In 90s also there comparisons between Lara, there were comparisons between Lara and Tendulkar, now Steve Smith and Virat Kohli, why not comparisons between bowlers? Aap bataiye. Yeah, it's a good point, lekin Muralidharan aur Shane Warne ka comparison bhi chalta hi tha, kai duels ka comparison bhi chalta tha, Warne versus Tendulkar, Warne versus Lara, ye bhi chalta tha. But aaj ki tareek mein dekhiye, aap halka phulka hi sahi, lekin Bumrah versus Jofra Archer log keh hi rahe hai na, बात तो कर ही रहे हैं ना आप। रबाड़ा की लोगों ने रबाड़ा की देखिए बात करनी बंद कर दी है। आएंगे वो आए गए हैं। मैं आज भी अगर देखिए हो सकता है कल को जोफ्रा आर्चर फास्ट बॉलर है वो, वैसे जोफ्रा आर्चर बहुत बड़े बॉलर निकल जाए कुछ टाइम बाद, बट आज भी अगर मुझे अपनी टीम में शायद से पिक करना पड़ा, अगर मेरे पास ऑलराउंड अटैक नहीं है बॉलिंग का, तो मैं रबाड़ा को लूंगा क्योंकि मुझे पता है उनमें वैसे मुझे अगर आप जोफ्रा आर्चर रबाड़ा और बुमराह तीनों दे दें तो मैं खटिया खड़ी कर दूंगा सारे टीमों की। नहीं फिर तो आप मुझे भी ले सकते हैं एज ओपनर बैटिंग में, जब आपके पास ऐसी गेंदबाजी है तो। अच्छा फिर किस बात की, मतलब सामने वाली टीम में या अपनी नहीं टीम? अपनी टीम में नहीं, मुझे लगा इन तीनों को खेलने वाला ओपनर, नहीं नहीं इनके अगेंस्ट खेलने वाला। बट आप देख लीजिए, स्टीव स्मिथ ने उस दिन बोला था कि मैं रिटायर्ड हर्ट हुआ था बट मैं आउट नहीं हुआ आर्चर से, आर्चर से आउट नहीं हुआ। नहीं जोफ्रा आर्चर का ये टेस्ट मैच ऑर्डिनरी रहा, सेकंड इनिंग में जरूर एक छोटा सा स्पेल आया था, बट देखिए क्या होता है ना, स्पेल एक आया और उसके बाद रन थ्रू नहीं कर पाए ना। बट मैं देख रहा था जिस हिसाब से उन्होंने मतलब खेल रहे थे, बाद में टुवर्ड्स दी एंड जब वो ये 82 रन की उन्होंने जब इनिंग्स खेली थी उसमें भी वो बड़ा इजीली खेल रहे थे, उनको बैकफुट पे जाके मार रहे, उधर बैकफुट पे जाके लॉन्ग ऑन मार रहे हैं, मतलब मोमेंटम हो गया। तो चलिए फिर इजाजत ले लें, फिलहाल इजाजत ले लेते हैं। आज भी आज शाम को 8 बजे हमारी आपसे मुलाकात है, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा कल भी, और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका सीरीज की तैयारी शुरू की जाए। अब तो शनिवार से है, कल करते हैं ना संडे, 15 ही संडे। हाँ, आप 2 दिन की छुट्टी लेके आए ना, आप थोड़े से आरएलआर से निकल आइए। तो मतलब आप अगले शनिवार को आएंगे? शनिवार आएंगे, संडे भी आएंगे, पक्का आएंगे, नहीं पड़ेगा भाई, नौकरी क्या और नखरा क्या है ना। चलिए क्वेश्चन आंसर सेशन विल बी बैक टुमारो। इनका राहुल का ट्विटर है @RawatRahul9, इंस्टाग्राम भी @RawatRahul9, आस्क स्पोर्ट्स तक मेरा जो ट्विटर है वो है @VikrantGupta73 और इंस्टाग्राम @Vikrant.Gupta73, आस्क स्पोर्ट्स तक हैशटैग इज अ मस्ट, सवाल भेजिए दन दनादन, कल आपसे होगी मुलाकात।